तो अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रीलांसर बहनों और भाइयों, क्या हाल है, वेलकम टू टेकोडाइल। और इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं अपवर्क के अवेलेबिलिटी बैच के ऊपर। वैसे तो अपवर्क में बहुत ज़्यादा बैचेज हैं, जिस तरह राइजिंग टैलेंट का बैच है, टॉप रेटेड का बैच है, टॉप रेटेड प्लस का है, और जो टॉप के बिल्कुल 1% फ्रीलांसर होते हैं उनको मिलता है एक्सपर्ट रेटेड का बैच। तो आज हम जिस बैच के बारे में बात करने वाले हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, मैं नहीं मानता। और उससे क्या होगा, आपको जो है इनविटेशन आने के चांसेस ज्यादा होंगे, आपको जो है क्लाइंट में सर्च रिजल्ट में आप आ जाएंगे, उनको रिकमेंड होने शुरू हो जाएंगे। इस बैच ने मुझे जो है पर्सनली बहुत ज्यादा फायदा दिया है। मैं जो खुद पर्सनली अपर के ऊपर 600+ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मैंने जाहिर बात है इसको एक प्रोसेस के थ्रू वो एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे जो लगा है कि इससे जब ये आप ऑन करते हैं अवेलेबिलिटी बैच, तो आपको जो है जॉब ज्यादा जो है आती है, इन्वाइट बहुत ज्यादा आती है। तो हम जाके अपनी प्रोफाइल पे देख लेते हैं कि इसको कैसे ऑन करें, इसकी प्राइसिंग किया है, और इसके जो है आपको क्लाइंट को जो है कैसे दिखती है प्रोफाइल के ऊपर जब आप इसको ऑन करते हैं। तो अगर हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर आएं तो यहाँ पे एक आपको बटन शो हो रहा होगा पेंसिल का आइकन, तो आप अगर इसको क्लिक करें तो आपको जो वैसे शो हो रहा होगा वो इस तरह करके ऑफ शो हो रहा होगा। फर्स्ट में अभी हम जो है इसको ऑफ कर लेते हैं, तो आपको जो शो हो रही होगी स्क्रीन इस तरह की शो हो रही होगी, ऑफ शो हो रही होगी अगर आपने पहले ऑन नहीं किया हुआ। तो जिस तरह ही आप इसको जो है यहाँ पे पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा माई मैक्सिमम का। माई मैक्सिमम क्या है, वो है आप जो एक वीक के लिए जो है आप नंबर ऑफ कुनेट जो है एक सेट करते हैं। यहाँ पे उसकी प्राइसिंग जो है चेंज होती रहेगी। यहाँ पे अगर 7 है तो इसका ये मतलब है कि आपका जो है हर डे आपका जो है एक जो है कुनेट डिटेक्ट होगा, ये एक वीक के लिए। तो फर्स्ट करें अगर यहाँ पे 7 नहीं होता, यहाँ पे 14 होता है, तो इसका ये मतलब होगा आपके जो है 2 कुनेट जो है पर डे आपके से जो है डिटेक्ट होंगे। ये 7 से कम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये 7 हो, 7 से जो है कम भी हो सकता है, नॉर्मली 7 ही होता है। तो आप जो है इसको इस तरह देखेंगे। तो मैं जो आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर जो भी प्राइस यहाँ पे दिख रही हो आप उससे 4 या 5 ऊपर ही इस तरह सेलेक्ट करें। यहाँ पे अगर हमें 7 दिख रही है तो मैं जो हूँ 12 ही सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो है आपको इस तरह का बैज ऑन दिखना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे अवेलेबल नाउ का बैज। तो अब जाके हम देख लेते हैं कि ये क्लाइंट साइट को कैसे शो होगा। आपने अभी इधर तो ऑन कर लिया, ये तो फ्रीलांसर की साइड है, हमें तो ये दिख रहा है, मगर आप देखेंगे कि क्लाइंट की साइड जो है कैसे दिखता है। अगर हम यहाँ पे जाएं और यहाँ पे हम अपवर्क लिखें, अपवर्क, और हम देखें कि अगर यहाँ पे कोई जो क्लाइंट है वो सर्च करता है, फर्ज करें अगर वो वर्डप्रेस का सर्च कर लेता है, वर्डप्रेस डेवलपर का, और वो यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपर सर्च करता है किसी टैलेंट के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे देखें मुख्तलिफ लोग आ जाएं। तो जिस तरह हमने वर्डप्रेस की अभी से क्यूरी इंटर किया था, हमें बहुत ज़्यादा फ्रेंड फ्रीलांसर जो हैं शो हो रहे हैं, जिस तरह के यहाँ पे हमारे पास है औरंगज़ेब है, यहाँ पे मोहम्मद है, तो उनने जो देखें अपने इन लोगों सारों ने बैज ऑन किए हुए हैं। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट लोग के बैज दिख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये क्लाइंट को शो करा रहे हैं कि हम जो हैं जॉब के लिए अवेलेबल हैं। तो क्लाइंट ज़्यादा प्रेफर करेगा कि ऐसे जो फ्रीलांसर्स को हैं जॉब दे दे। तो अगर हम यहाँ पे फर्दर मूव करें, यहाँ पे बॉटम पे मूव करें, तो हमें यहाँ पे 2 फ्रीलांसर नज़र आ रहे हैं। एक जो यहाँ के टॉप पे फ्रीलांसर हैं उसने अवेलेबिलिटी बैच ऑन नहीं किया हुआ, और इससे जो नीचे फ्रीलांसर हैं तुर्की से हैं ओकन, उसने जो है अवेलेबिलिटी बैच ऑन किया हुआ है। अगर फ़र्ज़ करें मैं एज अ क्लाइंट हूँ और मैं किसी फ्रीलांसर को अर्जेंट हायर करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो हूँ इस जो बॉटम पे आपको फ्रीलांसर दिख रहा है, ओकन दिख रहा है, मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसको जो है सेलेक्ट करूँ। उसको मैं सेलेक्ट इसलिए करूँगा, मुझे ये दिख रहा है कि यार ये बंदा जो है डेडिकेटेड है काम करने के लिए, और इसी को जो है मुझे हायर कर। फर्ज करें अगर मुझे कोई काम अर्जेंट चाहिए तो मैं इसको तो मैसेज नहीं करूँगा, क्योंकि क्या पता रिस्क हो मैं इसको मैसेज करूँ ये 10 घंटों बाद 12 घंटों बाद जो है ये देखे। और इससे बरक्स अगर मैं इन भाई को मैसेज करूँ ओकन को, तो क्या पता वो मुझे इमीडिएटली जो है मैसेज का रिप्लाई दे दें, तो मैं जो इससे सेलेक्ट करूँगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ये बैज ऑन करना है, जो अवेलेबिलिटी बैज का आपको अवेलेबिलिटी बैज यहाँ पे दिख रहा है इसको ऑन करना है। आपने जो है 1-2 हफ्ते ऑब्जर्व करना है। मुझे जो पर्सनली जब भी मैं ये ऑन करता हूँ, मुझे जो जॉब्स बहुत ज़्यादा आती हैं, मुझे क्लाइंट की जो है इंटरव्यू के लिए ज़्यादातर प्रपोजल वगैरह आ जाते हैं। तो मैं एज अ प्रोफेशनल फ्रीलांसर मैंने जो है 600 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो अवेलेबिलिटी बैच है इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। मेरी प्रोफाइल जो है सर्च में ज़्यादा आती है, रिकमेंडेशन में क्लाइंट को मेरी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा शो हो रही होती है, तो मुझे जो है इनवाइट्स बहुत ज़्यादा आती हैं। तो आपने ये जो है ये बैच ऑन करना है और इसको जो है देखना है आपने जो है कि ये कैसे काम करता है, 1-2 हफ्ते के लिए ऑब्जर्व करना है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको कोई मसला आ रहा है किसी अपवर्क में, प्रोफाइल में मसला आ रहा है, जॉब नहीं मिल रही, तो आप जो है मैसेज सेक्शन में मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, तभी
जो है मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चले मिलते हैं आपके साथ अगली जो है अपवर्क की यूजफुल वीडियो। शुक्रिया।